अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक और वीडियो लेके मैं रैपिड राइड्स की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आई होप यू ऑल डूइंग ऑल राइट एंड यू आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। येट अनदर वीडियो, येट अनदर बाइक, येट अनदर इलेक्ट्रिक बाइक। जो आज हम आपके लिए बाइक लेके आए हैं वो इलेक्ट्रिक बाइक है और इसका नाम है रेट्रो। द नेम एज द नेम सजेस्ट कि इट्स ओल्ड स्कूल बाइक, रेट्रो बाइक है, ओल्ड स्कूल बाइक है, पुरानी शेप, गोल लाइट्स आपको 60s की याद दिला देगी। इस बाइक के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले हम आपको इसकी बैटरी के बारे में बता देंगे, फिर इसकी मोटर के बारे में बताएंगे, ब्रेक्स का बताएंगे, मीटर, हैंडल पे इसके फीचर्स क्या हैं, LED हेडलाइट्स जो हैं इसकी वो किस तरह काम करती हैं, और फिर आपको इसका बाइक का एक ओवरऑल व्यू देंगे कि व्हाई डू यू नीड दिस बाइक, कितने किलोमीटर्स कर सकती है, कितने किलोमीटर्स चल सकती है, चार्जिंग कितना टाइम लगाती है। सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इस बाइक के ऊपर दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वील डिस्कस द बैटरी ऑफ दिस बाइक कि इसमें बैटरी कौन सी डली हुई है, कितने एम्पेयर्स की बैटरी है, कितना टाइम लेगी चार्ज होने में। तो ये लिथियम आयन बैटरी है, आपको हमने जिस तरह के बताया, लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं वो पाउचेस के अंदर आते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, दे आर रियली रिलायबल, उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है और कंपनी इस बैटरी की जो है वो 3 साल की वारंटी भी दे रही है। तो बैटरी हमारी लिथियम आयन है और जो बैटरी हमारी चार्ज होती है पूरी फ्रॉम 0 to 100, आप उसको लगा लें कि 2 से 2.5 घंटे के अंदर ये बैटरी चार्ज हो जाएगी, और जो चार्ज होने के ये यूनिट्स लेती है वो राउंड अबाउट 1.7 यूनिट्स लेगी, यानी कि टोटल जो आपका बाइक है वो 102 रुपये के अंदर चार्ज हो जाएगा और इकोनॉमी मोड के अंदर ये 100 किलोमीटर चलता है। इस बाइक की माइलेज थोड़ी ज़्यादा है, इसका वेट कम है, इट्स राउंड अबाउट 90 kg, तो अगर आप इसको इकोनॉमी मोड पर चलाते हैं तो ये आपको पूरी 100 किलोमीटर की एवरेज देगा। उसके बाद आपको इसके मोटर के बारे में मैं बता देता हूँ। बाइक की जो इस बाइक को मोटर दी हुई है उन्होंने ये 1500 वाट की मोटर दी हुई है, और जो 1500 वाट की मोटर है ये राउंड अबाउट 100 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, विच इज़ वंस अगेन बहुत अच्छा टॉर्क है। इसका भी 0 to 60 जो है वो राउंड अबाउट कोई 5 to 6 seconds के अंदर उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन बाइक की टॉप स्पीड जो है वो 65 kilometers है। जो कल आपको बाइक हमने दिखाया था वो हमारा अपग्रेडेड बाइक था विद अ 2000 watt मोटर इन इट, इसकी 1500 watt मोटर है तो इट जस्ट गोज़ अप टू अराउंड 65 kilometers इन वन चार्ज। उसके बाद मैं आपको बाइक की ब्रेक्स के बारे में बताता हूँ। बाइक की ब्रेक्स जो उन्होंने दी हुई हैं दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं, पिछली ब्रेक जो है वो राउंड है, अगली ब्रेक राउंड इन कट है। कल भी आपको बताया था दीज बाइक्स हैव गॉट अ स्पेशल सिस्टम जो कि CBS होता है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। दोनों आपकी जो ब्रेक्स हैं वो आपके हैंडल पर आती हैं, लीवर्स जो हैं आपके ब्रेक लीवर्स, ये भी आपकी ब्रेक है, ये भी आपकी ब्रेक है। बट द गुड थिंग अबाउट CBS इज के चाहे आप ये वाली ब्रेक दबाओ इससे भी आपकी दोनों कठी लगेंगी, वो वाली ब्रेक दबाओ फिर भी आपकी दोनों कठी ब्रेक लगेंगी, दैट्स वॉट अ CBS इज, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, के आप जो मर्जी ब्रेक दबाओ दोनों ने इकट्ठे लगने। इस ब्रेकिंग सिस्टम का ये फ़ायदा है कि पैनिक ब्रेकिंग में आपके बड़ी काम आता है, क्योंकि डिस्क ब्रेक से आप पैनिक होते हो, अगली ब्रेक आप एकदम से दबा दोगे तो आप टॉपल ओवर हो सकते हो, पिछली ब्रेक एकदम से दबाओगे तो पिछला टायर स्किड हो सकता है। तो विद द CBS सिस्टम, अल्लाह ना करे इफ़ यू डूइंग अ पैनिक ब्रेकिंग, आपकी दोनों ब्रेक्स इकट्ठी लगेंगी, बाइक आपका किसी साइड पर स्किड नहीं होएगा, ऑल इट्स गोइंग टू डू इज कि ये आगे की तरफ थोड़ा सा स्किड होएगा जिस तरह ABS ब्रेकिंग के अंदर होता है, तो इट्स अ वेरी बेनिफिशियल थिंग। उसके बाद मैं आपको इसकी मीटर चेक करा देता हूँ। बाइक का मीटर उसी तरह ही रेट्रो राउंड शेप में दिया हुआ है उन्होंने, ब्यूटीफुली डिजाइंड है, ये मीटर आप चेक करें, ये आपकी जिस तरह की फ्यूल गेज है, ये बैटरी गेज है आपकी, दरमियान में आपका ट्रिप मीटर आ जाता है, ये आपका RPM है और दरमियान में आपका स्पीडोमीटर आ जाता है, एवरीथिंग इज डिजिटल इन दिस मीटर। उसके बाद मैं आपको इसके हैंडल्स पे चेक करा देता हूँ। वंस अगेन इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, यू कुड चेंज इट, हेडलाइट्स, नीचे आपकी पार्किंग और आपका स्टार्ट बटन, ये इन्होंने एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई हुई है बाइक के ऊपर, आई विल शो यू दीज लाइट्स लेटर। यहाँ पे आप चेक करें, ये हेडलाइट है, हाई लो बीम है, वी हैव गॉट आवर इंडिकेटर्स ओवर हियर, देन दिस इज आवर रिवर्स मोड एंड द हॉर्न। तो जिस तरह आपने कल वाला हमारा बाइक देखा था उसी तरह के इसके मिलते जुलते फीचर्स हैं।
और गाइज अब आपको इसकी हेडलाइट चेक करा देते हैं। रेट्रो स्टाइल में राउंड शेप में हेडलाइट दी हुई है, आगे उन्होंने ग्रिल दी हुई है विच गिव्स इट अ रियली ओल्ड स्कूल स्टाइल। बहुत मज़े की हेडलाइट है। ये इसकी पार्किंग है, दिस इज़ द लो बीम, दिस इज़ द हाई बीम। इसके ऊपर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स भी लगाई हुई हैं। आप जो भी लाइट लगाएंगे मेक श्योर यू यूज़ LEDs ऑन इट, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक बाइक है और इसको 12 वोल्ट्स उन्होंने दिए हुए फॉर ऑल दीज लाइट्स। तो आप इसके ऊपर जो भी लाइट लगाएंगे आपने मेक श्योर करना है वो LED लाइट है। इसके ऊपर HIDs नहीं लग सकती हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। अब आपको एक सिर्फ ओवरऑल लुक दे देते हैं पूरी बाइक का, बाकी तो आपको सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी हैं। ये आप इसके लेग गार्ड्स चेक करें, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए हैं। फिर नीचे इंजन गार्ड्स है और यू कुड कॉल इट द बैटरी गार्ड्स। ये है कि अल्लाह ना करे कोई चीज़ आपकी बाइक को आके हिट करता है तो योर बैटरीज आर सेफ और आपका चेसिस भी उससे सेफ रहता है। तो ये सारा उन्होंने उसको ओवरऑल कवर कर दिया। सिर्फ एक ओवरऑल आपको बाइक की लुक दिखा देते हैं कि बाइक आपका रोड प्रेजेंस किस तरह होगी, रोड पर चलता हुआ किस तरह नज़र आएगा, सो यू कुड हैव एन आइडिया कि जी आप क्या चीज़ परचेज कर रहे हैं। बैक सीट भी आप चेक करें, उन्होंने लेदर लगाया हुआ है, ब्यूटीफुली डन। Quality of the bike is really good. I would say ke if I have to rank this bike in terms of quality, to I would rank it around 7 out of 10 minimum. Kyunki Pakistani brand hai and they have used really good items on it. I mean to say they've used really good products on it. Jo ke inhone jis tarah inhone shocks use kiye hain, apne foot pegs use kiye hain, leg guards diye hain, ye sari cheeze jo hai they have used quality products on it. So when you'll see this bike in लाइक लाइव या अपने सामने देखेंगे तो आई एम श्योर यू गोना लाइक इट। देखें बैक, पिछला जो मड गार्ड है वो भी उन्होंने एक नए स्टाइल का दिया हुआ है, जस्ट कम्स फ्रॉम वन साइड, एक साइड से आता है स्विंग आर्म की साइड से, एक ही साइड से आपका लग जाता है, तो ये भी इसकी रेट्रो लुक को इन्हेंस करता है। ओवरऑल जो बाइक है ब्यूटिफुली डिज़ाइंड है, क्वालिटी आई टोल्ड यू बहुत अच्छी क्वालिटी यूज़ की हुई है एंड दे हैव प्राइस दिस बाइक रियली गुड एज वेल। ये 4,20,000 रुपया इन्होंने इसको प्राइस किया है। तो इफ़ यू कुड लुक ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 years तो आई एम श्योर आप इसमें अपने पूरे पैसे भी बचा सकते हैं। बैटरी की 3 साल की वारंटी है, मोटर की 2 साल की वारंटी है, तो ओवरऑल आपका बाइक एक हिसाब से आपको फ्री पड़ता है। ये हमारा आज का बाइक था गाइस। आई होप आपको हमारा आज का प्रोडक्ट पसंद आया होगा। अगर प्रोडक्ट पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।